एक कहावत कहा जाता है ना कि हर गुनाह कबूल है, बस सजा देने वाला बेकसूर हो। हमारा वेस्ट पदार्थ हमें इनकम दे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमारे यहाँ सांप को देख के मार देते हैं लोग, आखिया कूचते हैं लोग, फोटो खींचेगा। सुशांत ने मार मेहमान को खरगोश और बिल्ली का मांस देना शुभ मानते हैं लोग। इसे गोल्डन क्रेसेट कहेंगे। क्या कहेंगे? गोल्डन क्रेसेट, गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रेसेट। इतना अफीम होता है और यही यहाँ से ड्रग्स के माध्यम से कहाँ जाता है? भारत। तो हमें क्या जरूरत है? यहाँ हम यहाँ जब सड़क बना लेंगे, सरकार अपने इंटेलिजेंस को खड़ा कर दे, यहाँ पे रॉ को खड़ा कर दे, आईबी को खड़ा कर दे, सारा अफीम कौन खरीद लेगा? रॉ और आईबी वाले, और वो ले जाके चाइना बेच देंगे। भाई इनको बेचने से मतलब है, इनको लगेगा कि होलसेलर मेरा यहाँ बैठा है। वो होलसेलर कौन रहेगा? रॉ और आईबी वाले खरीद लेंगे, कहाँ घसका देंगे? चाइना वाला। उनसे का आंख आधा ऐसे ही बंद होता है, अफीम खा के पूरा बंद हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, पता नहीं क्या। देश के पास इतना अच्छा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्या ही कहना है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्या जो चीज की चर्चा होगी वही ना। एक मीडिया में हमने बोला सर डिबेट करना है आपके साथ में, हम कहे कि उधर से कौन डिबेट करेगा? तो बिस्कन्या को बताया हम, के ओकरा आता कौन चाहिए? बेशक कोई एक कहावत कहा जाता है ना कि हर गुनाह कबूल है, बस सजा देने वाला बेकसूर हो। तो परीक्षा लेने के लिए कोई भी हो सकता है। अब कोई मैट्रिक का लड़का कहे खान सर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये तो अपमान हो गया। ऐसा इससे बहुत फायदा है ना, यहाँ सड़क बन जाएगा ना, तो यहाँ के लोग मेढक खाते हैं, लोग चूहा खाते हैं, लोग तेलचट्टा खाते हैं, लोग बतख उतख खाते हैं लोग, और हमारे यहाँ सब फालतू समझा जाता है। हमारे यहाँ बहुते हैं, तो हर आदमी एक को गढ़ा पालेगा, सुना ध्यान से, गढ़ा के ऊपर ना लकड़ी का लेयर बनाएगा, ऊपर पलाएगा चूहा और नीचे बेंग, अब बोरा में बांध बांध के, और यहाँ पिकअप पे लाद के थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस जा यहाँ पे। नहीं होगा? अरे हम नहीं खा सकते हैं ना, दुनिया का सबसे जो हमारा वेस्ट पदार्थ हमें इनकम दे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अब बता कौन हवाई जहाज से बेंगचा भेजेगा? मेढक, बेंग, हम लोग बेंगचा बोलते थे, मेढक, फ्रॉग, फ्रॉग। आप बताओ मित्रों, सड़क होना चाहिए कि नहीं? हमारे यहाँ सांप को देख के मार देते हैं लोग, आखिया कूचते हैं लोग, फोटो खींचेगा। सुशांत ने मार, तो सोच रहा तुम फोटो खींच चाहे मत खींच, आदमी पकड़ पकड़ सांप को कहाँ भेज देगा? चाइना। पकड़ पकड़ पोसवाएगा आदमी सांप को, कपड़े आते हैं ना जिसमें सांप का डंक नहीं लगता है, तो वही कपड़े पहन के हेलमेट लगा लेगा आदमी, सांप के बीच में घूम लेगा, यहाँ पे काटेगा, ले काट ले, नहीं होगा ना, उसका धंसेगा नहीं, उसका अलग कपड़ा होता है, काट लेगा, धंसबे नहीं करेगा, फोबिया का एक तरह चाइना जाएगा तुम, यहाँ पे वहां जाके फोबियो खा के खा जाएंगे यहाँ पे, सोचिए। और हम लोग कहेंगे रोजगार नहीं मिलता है, फिर से बिहार से ही शुरुआत होगी अखंड भारत की, यहीं से अखंड भारत की शुरुआत होगी। लेकिन बिहार में फैक्ट्री नहीं लगती है, काहे कोई आएगा भाई? अरे बिहार तभी समृद्ध था जब फैक्ट्री नहीं थी, यहां से नहीं भेज सकते हम लोग जितना ही सब है सब। हमारे यहाँ कुकुर सब दे मार है, भागो कुकुर, सब हिला देंगे लोग। कहां हिला देंगे लोग? चाइना में सब होता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक कुत्ता कम से कम एक सीजन में 10 से 12 बच्चे देता है, अपने में कहा 8 एवरेज देता है कोई भी, 8, और उसमें 8 अपने से काटा कुटी के 2 बचेगा, तो 6 को जो मर गया उसका निर्यात कर देंगे। अरे अपने से मर जाते ऐसे कि नहीं मर जाते, आप बताओ, निर्यात कर दो यहाँ पे। हमारे यहाँ खरगोश कोई पालता ही नहीं है, क्योंकि बड़ी ज्यादा बच्चे उच्चे दे देते हैं सब, और वहां ये सब ये देशों में मेहमान को खरगोश और बिल्ली का मांस देना शुभ मानते हैं लोग। बिलार का मांस और खरगोश का मांस, हमारे यहाँ ना कोई बिलार पूछ रहा है ना खरगोश, बिलार परेशान कर ले रहता है, सबको हिला देंगे लोग, कहाँ बिल्ली मौसी निर्यात। एक सड़क बनाने से कितना लाभ हो गया है?